दे नानी कुछ कह रहे हैं उनको सुना। मतदाताओं में उत्साह भी है और लंबी लाइन भी लगी हुई है, क्योंकि पहली बार एक आदिवासी महिला को ये अवसर मिला है। इसके कारण से हर क्षेत्र के मतदाताओं में, विशेष रूप से आदिवासी मतदाताओं में तो उत्साह है ही, लेकिन बाकी में भी उत्साह है। जिस प्रकार से वह उनका जीवन रहा है, पढ़ी लिखी हैं, दो बार मंत्री रही हैं और राज्यपाल रही हैं, उस स्तर के राष्ट्रपति को मौका जो एनडीए ने दिया है, वास्तव में बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि ये एनडीए के मतदाताओं के अलावा भी कई मतदाता ऐसे हैं जो मुर्मू जी को वोट देने जा रहे हैं। इसलिए निश्चित रूप से दो तिहाई मतों से एनडीए के उम्मीदवार की जीत होगी और मुर्मू जी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेंगी। देवनाथ जी, विचारधारा की लड़ाई की बात कही जा रही है, आखिर क्या विचारधारा है, क्या किस सोच के साथ में ये लड़ाई है? जो व्यक्ति ये विचारधारा की लड़ाई की बात कर रहा है, उसकी स्वयं की कोई विचारधारा नहीं है। जब तक पद था तब तक वो बीजेपी में था, लेकिन जब बीजेपी में पद नहीं मिला तब वह बाहर आकर के और इस प्रकार की बातें करना उनको शोभा नहीं देता। राष्ट्रपति चुनाव में कोई विचारधारा की बात नहीं होती है, वह तो एक गणमान्य, हमारे एक निश्चित रूप से राष्ट्र के प्रतीक के रूप में उसको लिया जाता है और विदेशों में भी उसका सम्मान होता है, देश में भी सम्मान होता है। तो इस प्रकार ये कोई विचारधारा की लड़ाई नहीं है। इस प्रकार का पोज देने से उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। उन्होंने कुछ मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार का वक्तव्य देने का प्रयास किया है, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होगा। क्या मुर्मू को अंत्योदय के उत्थान के प्रतीक के रूप में देखा? निश्चित रूप से, जो बिल्कुल आदिवासी गरीब क्षेत्र जो सबसे पीछे है, ये हमारे दीनदयाल जी ने भी कहा था। उसके बाद उसके पहले राजस्थान के जो बाद में जाके उपराष्ट्रपति बने, भैरव सिंह जी ने भी अंत्योदय की बात कही, और माननीय मोदी जी के एजेंडे पे तो निश्चित रूप से यह बात है कि अंत्योदय जो सबसे समाज में पीछे का व्यक्ति है उसका विकास होना चाहिए। उसके प्रतीक के रूप में जब आगे जाएंगी तो निश्चित रूप से उसमें एक नई ऊर्जा, नई संचारण, नया विश्वास उसमें जागृत होगा। तो वासुदेव देवनानी को आप यहाँ पर सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी